करगिल का एक योद्धा अगर ये कहे मैं देश की तो रक्षा कर सकता हूं, अपने परिवार की नहीं कर पाया, रोते बिलखते एक योद्धा ये कहने पर मजबूर हो जाए, इससे ज्यादा तल्ख टिप्पणी या जो हो रहा है मणिपुर में उसकी वानगी इससे ज्यादा क्या हो सकती है, इससे सटीक वानगी? संदीप जी, माय वॉइस इज चोक बिकॉज बहुत बुरा लगता है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे डीजीपी साहब भी कह रहे हैं, सब ने माना, मुझे लगता है हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको आज दुख हो रहा होगा कि इस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ कोई भी करे गलत। वो कारगिल का योद्धा है, उसके लिए तो मुझे लगता है क्योंकि जिस गांव में वो रहता था सबको मालूम होगा कि एक कारगिल का योद्धा है, और वो भी उन्हें मालूम होगा ये परिवार उसका है। इस तरह की घटना वाकई बहुत शर्मनाक, और मुझे लगता है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम कार्रवाई नहीं कर सकते क्या? अब सवाल असल में ये आता है, 90 दिन हो गए, यूनिफाइड कमांड क्यों नहीं बन पाई? एफ्सपा जो 19 जिलों से हटा दिया गया था, उसे लगाओ या ना लगाओ, जो भी एक फैसला क्यों नहीं लिया जाता? 4,000 असलहे, 1.5 लाख एमिनिशन, ऐसे ही कोई किसी के हवाले आप ड्रॉप बॉक्सेस डाल रहे हैं। भारत इतना मजबूर तो कभी नहीं हुआ। संदीप जी, इस पर कोई शक नहीं जो आप कह रहे हैं कि मजबूर नहीं हुआ, पर वहाँ की जो घटनाएं हैं, क्योंकि मैंने तो उधर नौकरी की है तो मुझे मालूम है, वो जो समुदाय हैं और दो भाई हैं उनके जो बीच की जो लड़ाई है और जो घृणा आज पैदा हो गई है, वो तभी दूर होगी जो वो दोनों भाई साथ में बैठेंगे। कौन बैठाएगा? वो खुद बैठेंगे, कोई गांव बूढ़े यहाँ तो हैं। आप कोई पॉलिटिशियन नहीं है, लड़ाई ये हो रही है I.N.D.I.A, वो गया है, इंडिया कब जाएगा? अरे हम एक ही तो देश हैं, वो हमारे भाई बहन है, और हमने ही करना है। इस पे कोई शक नहीं संदीप जी कि सब कोई प्रयास कर रहे होंगे, ऐसे हो नहीं सकता, शायद हम लोगों को मालूम नहीं होगा, प्रयास आप सब कर रहे हैं। आप आशावादी हैं, प्रयास हो रहे होंगे, वो जमीन पर उतरते क्यों नहीं दिखते हैं? और तमाम जो टॉक शोज चल रहे हैं आज की तारीख में, हम चर्चा बहुत करते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, आग लगाते हैं, वर्सेस करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, पर हल समाधान की तरफ कोई जाता नहीं दिखता है। और सीधा सवाल में हमारी ये कोशिश रहेगी कि सवाल हम सीधा पूछेंगे, किसी का पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हल क्या होना चाहिए उस पर भी जाएंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।